अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा नाम रीता ताशवीन है। काफी टाइम बाद हम सेकंड लेक्चर पर आए हैं, सेकंड वीडियो पर आए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ बेसिक टॉपिक विच इज रियली इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज वर्ब। वर्ब है वर्ब जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, फेल। अब फेल जो है, ये जो वर्ब है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, वर्बन, जिसके मायने हैं लफ्ज। वर्ब के मायने क्या हुए, लफ्ज। अब हमें क्या बताया जाता है बचपन में कि वर्ब एक एक्शन वर्ब हो, वर्ब का नाम काम, वर्ब के मतलब काम, कोई भी काम, चलना, भागना, धोना, खाना, पीना, सोना, जो भी है ये काम। नहीं, वर्ब तीन चीजों में डिवाइड होता है। अब दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो वर्ब के बगैर बना हो। वी कॉन्ट मेक अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। हम वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब तीन चीजों को शो कर रहा होता है, स्टेट, पोजेशन और एक्शन। ठीक है, अब स्टेट क्या होता है, आपकी हालत, ठीक है, और पोजेशन आपकी मलकियत, एक्शन आपका काम, क्या एक्शन आप कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट। ठीक, अब आगे जब हम इनको इनके बेसिक नेम के साथ बोले कि आप नेम क्या इनका होगा, स्टेट वर्ब, ये स्टेट वर्ब एक हो गया, सेकंड पोजेसिव वर्ब, थर्ड एक्शन वर्ब। जो स्टेट वर्ब है, वी कैन यूज अ सेकंड नेम फॉर इट, बी वर्ब। हम इसके साथ सेकंड नेम यूज करते हैं, बी वर्ब। ठीक, जो सेकंड है पोजेसिव वर्ब, इसका सेकंड नेम क्या होगा, हैव वर्ब, मलकियत। ठीक, द थर्ड वन एक्शन वर्ब, हम उसके साथ सेकंड नेम यूज करते हैं, डू वर्ब, कोई भी काम होना। डू का क्या मतलब होता है, करना। हैव का क्या मतलब होता है, पास होना। ठीक है, जैसे मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास बैंगलो है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एलसीडी है, उसके पास पेन है, बुक्स है। ठीक है, और बी वर्ब जो है स्टेट वर्ब, जिन्हें कहा जाता है बी वर्ब्स, होना। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, वो 10 साल की है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, होना। और जो डू वर्ब से कोई भी काम, खाना, पीना, सोना, सोना, जागना और लिखना, पढ़ना, ये सारे क्या है, काम, वो एक्शन वर्ब्स। अब इंग्लिश में जो वर्ब्स की जो काइंड्स है, इनमें जो हम स्टेट वर्ब और पोजेसिव वर्ब, वी से देम द नॉन एक्शन वर्ब। हम इन दोनों को नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं, और एक्शन वर्ब जो अलग कर दिया। नॉन एक्शन वर्ब्स मतलब कि वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। आज हम जस्ट स्टेट वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास है दूसरे दो वर्ब्स, पोजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब, हम उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। स्टेट वर्ब, इसे हम क्या सेकंड नेम कहते हैं, बी वर्ब्स, किसी चीज का होना। अब ये प्रेजेंट में कुछ और होते हैं, पास्ट में कुछ और होते हैं, फ्यूचर में कुछ और होते हैं। प्रेजेंट में बी वर्ब्स हैं इज, एम, आर, ठीक है, पास्ट में है वॉज, वर, और फ्यूचर में है विल बी। जो इज एम आर है प्रेजेंट के, इज हम यूज करते हैं ही, वो लड़का, शी, वो लड़की, इट, कोई भी बेजान चीज, और सिंगुलर नाउन मतलब कि कोई भी वाहिद नाउन के साथ, वाहिद इस्म के साथ। वी यूज इज विद देम, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, जस्ट लाइक ही इज अ डॉक्टर, शी इज 20 ईयर्स ओल्ड, और इट इज अ बुक, ओके, असमा इज वेरी ब्यूटिफुल, ऐसे। जो एम इस्तेमाल करते हैं हम, वो जस्ट आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, आई एम, मैं, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, आर इस्तेमाल करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल क्या, ज्यादा, वाहिद जमा पड़े होंगे ना, सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर एक वाहिद और प्लूरल ज्यादा, जमा, ठीक है, ज्यादा नाउन के साथ। अब दे आर प्लेयर्स, ठीक है, वी आर क्लासमेट्स, ठीक, यू आर अ टीचर, और अस्मा एंड सारा आर फ्रेंड्स, ठीक है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, प्लूरल नाउन की बात आ गई। उसके बाद ये वॉज वर्ब का इस्तेमाल आ जाता है पास्ट सिंपल के अंदर, अब और पास्ट के अंदर, और फ्यूचर हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं विल बी। ठीक, अब जो बी वर्ब्स हैं वो बेसिकली फाइव चीजों को शो कर रहे होते हैं, फाइव थिंग्स, दे शोज द फाइव थिंग्स। फर्स्ट योर प्रोफेशन, नाउन, एडजेक्टिव, नेशनैलिटी और एज। ठीक, अब जो बी वर्ब्स हैं इनकी भी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इज एम आर, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन,
फोर्थ फॉर्म बींग, ठीक है, इनकी फॉर्म्स हैं। अब हमें पता होता है कि प्रेजेंट में कौन से इस्तेमाल करने हैं, पास्ट में कौन से इस्तेमाल करने हैं, बी वर्ब्स फ्यूचर में कौन से इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस में कौन से इस्तेमाल करने हैं, इस तरीके से। अब मैं सेंटेंसेस बनाती जाऊंगी, फिर आप लोग कमेंट्स के अंदर उनके भी सेंटेंसेस मुझे बना के बताएंगे। हम पहला सेंटेंस बनाएंगे प्रोफेशन के साथ, आई एम अ टीचर, मैं जैसे टीचर हूँ। अब मैं पास्ट में अगर बोलूँ तो मैं क्या बोलूंगी, ही वॉज अ टीचर या आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था या वो टीचर, मैं टीचर थी या वो टीचर था, ठीक है। अब मैं टीचर होंगी, आई विल बी अ टीचर, ठीक, मैंने तीनों में वर्ब इस्तेमाल, बी वर्ब इस्तेमाल किया, ठीक है। अब मैं कहूँ एज की बात, मैं कहूंगी शी इज 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 ईयर्स की है, शी वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 ईयर्स की थी, ठीक है, मतलब कि 20 साल की थी, शी विल बी 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 साल की होगी, ठीक। नेशनलिटी, आई एम अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, आई वॉज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी थी, आई विल बी अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी होंगी, ये नेशनैलिटी की बात आ गई। प्रोनाउन, इट इज अ मार्कर, इट वॉज अ मार्कर, मतलब मार्कर की खत्म समझो, इट वॉज अ मार्कर, इट विल बी अ मार्कर, ये मार्कर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब रह गया एडजेक्टिव, सायरा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सायरा वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सायरा विल बी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, इस तरीके से बी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है पांच चीजों के अंदर। अब आप सब कमेंट्स के अंदर मुझे इन पांचों के साथ सेंटेंसेस बना के बताएंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस होगी। आज हम लोगों ने स्टेट वर्ब पढ़ा, ठीक, अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे, ठीक। एंड द सेकेंड टू वीडियो टू काइंड्स, पोजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब, वी विल डिस्कस इट इन द थर्ड वीडियो। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस, प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स इन योर होम विद फ्रेंड्स, एंड देन यू कैन आस्क अबाउट दीज वीडियोज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज।